हेलो एवरीवन, तो मेरे प्यारे दोस्तों, सीबीएसई सीआईएसई बोर्ड कैंडिडेट्स 2021 फाइनल जजमेंट डे। अब इसके बाद शायद ही आप लोगों के लिए कुछ हो सकता है, क्योंकि आपके लिए फाइनल एक रिस्क लेने जा रहे हैं गौरव सर एंड सुतपाल सर, जो कि होगा सुप्रीम कोर्ट में एक केस करके, जहां पर आपको पता चलेगा कि आपका एग्जाम्स ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। फाइनल डे जो कि है कल का दिन, उससे रिगार्डिंग मैं आप लोगों को और भी डिटेल्स देना चाहूंगा और आप लोगों को इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगा आपके आने वाले टर्म वन एग्जामिनेशंस को लेकर। पर मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज आप लोग समझ जाइए और सोच लीजिए कि आपका पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां पर क्या है, सीबीएसई का बहुत लॉस हुआ है पिछले 2-3 सालों में। पहले 2 एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं, आप लोगों को पता है 2020 में हाफ एग्जाम्स कैंसिल हो गए थे एंड 2021 में कम्प्लीटली कैंसिल हो चुका था, तो उनका काफी हद तक लॉस हुआ है, जहां पर उन लोगों के कई सारे प्रॉफिट्स हो सकते थे, पर COVID-19 में बहुत लॉस हुआ है। पर ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि यहाँ पे पेरेंट्स का भी बहुत लॉस हुआ है। कितने पेरेंट्स ने जॉब खो दी है, कितने पेरेंट्स के बिजनेस में लॉस हो गए हैं, कितने पेरेंट्स ने अपने फैमिली मेंबर्स को खोया है, ये इन लोगों को कोई परवाह नहीं है। और दूसरी ओर अगर आप लोग नोटिस कर रहे हैं, मेरी बात सही होगी तो जरूर लाइक करिएगा। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया था कि पेरेंट्स ने क्या कहा, मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, पेरेंट्स ने सिंपली कहा है कि कुछ नंबर्स के लिए, कुछ मार्क्स के लिए हम अपने बच्चे के लाइफ को इतना रिस्क में क्यों डालें, जहां पे अगर वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो जबकि उनको बचाना मुश्किल है, जबकि वो वैक्सीनेटेड भी नहीं है और स्कूल वाले अपने बिजनेस के लिए उन लोगों की लाइफ रिस्क में डाल रहे हैं। तो दोनों ऑप्शन मिलना चाहिए। वी आर नॉट डिमांडिंग फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशंस फॉर कंप्लीटली, वी आर आस्किंग बोथ दी ऑप्शंस। हर पेरेंट्स का, हर स्टूडेंट्स का यही कहना है कि हम 2 ऑप्शन मांग रहे हैं। कोई बच्चा जो है आपके लिए ऐसा नहीं कह रहा है कि आप एक हम लोगों को ऑप्शन दे दो, वो भी ऑनलाइन। खैर मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड और भी डिटेल्स दूंगा, जो कि एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। यहाँ पे ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन जो ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती है, उनके 3 क्वेश्चंस लेटर में सेंड किए गए हैं बोथ दी बोर्ड्स के लिए, कि अगर सेंटर पे मान लीजिए कोई बच्चा, एक या दो बच्चा कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो वो सेंटर को सीज कर दिया जाएगा, कंप्लीटली बंद कर दिया जाएगा, तो आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे वहाँ पे नहीं होंगे उस सेंटर्स में। तो जो बच्चे वहाँ पे 5,000 बच्चों का जो वहाँ पे सेंटर लगा रहेगा, तो वो बच्चों का क्या होगा, मतलब आप उनको, उनका एग्जाम्स तो वो दे नहीं पाएंगे, पहला चीज, उनका एग्जाम्स फिर होगा, मतलब बाद में होगा, 1-2 वीक्स के बाद होगा, तो वो लोग अपना एग्जाम्स कब देंगे, कैसे देंगे, क्योंकि ऑलरेडी तो प्रोजेक्ट असाइनमेंट में आपको बिजी किया जा रहा है, पूरा कंप्लीटली पूरा फुल प्रूफ प्लान है आप लोगों को ट्रैप में करने का। आप सोचो कब पढ़ोगे, मैं सोच रहा हूं अभी प्रोजेक्ट्स आपको दिया जा रहा है 15-15 पेज का, असाइनमेंट कब लिखोगे, कब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करोगे, पढ़ने के लिए छुट्टी नहीं दिया गया है, सबसे बड़ा चीज। तो और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पर जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो क्या सीबीएसई एनसीआईएसई देगी, कि अगर बच्चे को कुछ हो जाता है और वो बड़े हॉस्पिटल में एडमिट हो तो दोनों बोर्ड्स क्या इसका रिस्क लेकर पे करेंगे। हालांकि सीआईएसई बोर्ड अच्छी है, मैं कहूंगा आईसीएसई, क्योंकि वो लोग अग्री करते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, बट दे आर डिपेंडेंट ऑन सीबीएसई, यही उनका खराब चीज है। और आप लोगों को कुछ अच्छी खबरें देना चाहूंगा, जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अपना टर्म वन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग और भी अच्छा बूस्ट कर सकते हैं, याद रखना बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हो, जो कि कंप्लीटली अनअकैडमी दिवाली ऑफर पहली बार आपको दे रही है फ्री मौका ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए, जहां पर हर सब्जेक्ट अकाउंट्स मैथ्स से लेकर क्लास 10-12 का हर एक सब्जेक्ट का यहां पे फ्री टेस्ट हो रहा है, जो कि बच्चे यहाँ पे काफी ज्यादा एनरोल करके अपना जो है कितना प्रिपरेशन हुआ है टेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोग ये मौका क्यों छोड़ रहे हैं, जबकि मेरा कोड दिख रहा है मियाँ भाई आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड करना है आपको, मोबाइल से रजिस्टर करके अपना बस टेस्ट देना है, तो एक बार ट्राई करो। तो मैं आपको बता दूं, जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है काफी सारे चेंजेस आए हैं हमारे एजुकेशन में, आप लोगों को पता है टर्म वन टर्म टू में एग्जाम होने वाला है, जिसका कोई भी बेसिक आइडिया आपके पास नहीं है, एमसीक्यूज बेस्ड का कोई भी बेसिक आइडिया नहीं है, और ये काफी सारे रिसेंट चेंजेस हैं। और आपको पता है अनअकैडमी पे इंडिया के टॉप बेस्ट एजुकेटर्स होते हैं, जो कि कनेक्टेड है सीबीएसई एनसीआईएसई बोर्ड, तो ये दोनों मतलब, और ये जो क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर किए गए हैं मेनली सीबीएसई के टीचर्स के द्वारा, तो आप लोग क्यों ये मौका मिस कर रहे हैं, आई डोंट नो। और तो और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अनअकैडमी आपके लिए एक्साइटिंग प्राइजेस रख रही है, टॉप विनर्स यानी कि अगर आप वहां पे अच्छा टेस्ट देते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं, तो आपके लिए अन अकेडमी का गिफ्ट आप जान ही सकते हैं कि लाखों में होता है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे आपके एग्जाम प्रिपरेशन कराने के लिए 31 अक्टूबर तक, अब माफ करें दिसंबर तक, आपको फ्री दिया जाएगा सब्सक्रिप्शन, बिना 1 रुपए दिए आप यहाँ पे फ्री में पढ़ाई करेंगे। तो प्लीज प्लीज एनरोल नाउ, टेस्ट दो, कभी भी दो, घर में बैठे हो, जस्ट चूज, मल्टीपल चूज क्वेश्चंस रहेगा आपको, एक एक ऑप्शन ऊपर क्वेश्चन रहेगा, कोई टीचर भी तरह आपको देखेगा नहीं, बस ऐसे नॉर्मली टेस्ट देना है, तो अच्छा स्कोर करो और पाओ एक्साइटिंग प्राइजेस, सो जरूर देखें। अब बात कर लेते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट मैटर को लेकर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लीगली लड़ना चाहते हैं सुतपाल सर एंड आपके गौरव सर, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट से कुछ हो पाता है, अच्छा रिस्पांस निकल आता है, जो कि है मंडे, मतलब आज आपका संडे और कल है मंडे, तो आपको कंप्लीटली ध्यान रखना इस बात का, कल आप अपडेटेड रहें किसी भी हाल में, अगर ऊपर वाले ने साथ दिया तो जरूर होगा, और उधर से भी विटनेस आएंगे, दोनों बोर्ड से, दोनों के बीच लड़ाई होगा, देखते हैं क्या होता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, 5 पेरेंट्स एग्री कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आपके लिए, और बात करने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए, कि आखिर क्यों चाहते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम, मोड ऑफ एग्जाम्स पेरेंट्स क्यों चाहते हैं, और आपसे हम लोगों ने गूगल फॉर्म्स वगैरह भरवा लिए हैं, सब कुछ प्रिपरेशन है, बस देखना यह है कि कल का दिन आपके लिए कितना खास और कितना इंपॉर्टेंट होता है और क्या होता है, जबकि कल बहुत ही
इंपॉर्टेंट स्टेप लेने जा रहे हैं दोनों मिलकर, और आई होप उसमें हम लोग सक्सेस हो, ऊपर वाले का साथ हो और आपका एग्जाम्स ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में हो, ताकि ये इससे आप आउटकम हो पाओ। टर्म वन एग्जामिनेशन से निकलो तभी तो आप टर्म टू का प्रिपरेशन करोगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बोर्ड्स जो आपको कंफ्यूज करके रखी हैं कि टर्म वन इंपॉर्टेंट नहीं है, टर्म टू इंपॉर्टेंट होगा, अगर टर्म वन टू एग्जाम हुआ ही नहीं कोविड के वजह से, तो फिर तो टर्म वन आप लोग लोगे, फिर आप कैसे कह रहे हो कि टर्म वन इंपॉर्टेंट नहीं है? बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। एनीवेज मिलते हैं अगले अपडेट में, अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।